महाराष्ट्र 7 टीवी में आपका स्वागत है। मुंबई के एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी वाली तारीख पर 61,000 रुपए का भुगतान किया। डेटिंग ऐप पर एक मैच, एक फैंसी रेस्टोरेंट का निमंत्रण और एक ऐसा बिल जो न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ेगा बल्कि आपके पहने हुए कपड़ों में भी आग लगा देगा। स्कैम डेट्स की मानक कार्यप्रणाली ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस शोषणकारी योजना का नवीनतम उदाहरण मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित गॉडफादर क्लब से आया है, जो अब एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जांच के दायरे में है। एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज द्वारा एक्स पर साझा की गई पोस्ट ने एक ऐसे घोटाले को जेब से निकाल दिया है और उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा है। सुश्री भारद्वाज की पोस्ट के अनुसार ये घोटाला टिंडर, बम्बल, हिंज और ऑक्यूपिड जैसे लोकप्रिय डेटिंग ऐप पर काफी मासूमियत से शुरू होता है। सुश्री भारद्वाज की पोस्ट के अनुसार ये घोटाला टिंडर, बम्बल, हिंज और ओके क्यूपिड जैसे लोकप्रिय डेटिंग ऐप पर काफी मासूमियत से शुरू होता है। पुरुष उन महिलाओं से जुड़ते हैं जो तुरंत मिलने में रुचि दिखाती हैं। चुना गया स्थान अक्सर गॉडफादर क्लब या आसपास के किसी अन्य समान प्रतिष्ठान होता है। एक बार स्थान पर पहुंचने के बाद महिलाएं कथित तौर पर महंगी शराब या हुक्का जैसी महंगी चीजें ऑर्डर करती हैं, जिनमें से कोई भी मेन्यू में नहीं दिखाई देती है। प्रभावित करने के लिए उत्सुक पुरुष आसन्न वित्तीय जाल से अनजान हैं। ऑर्डर देने के बाद महिलाएं अचानक चली जाती हैं, अक्सर किसी आपात स्थिति का हवाला देते हुए, जिससे कि पुरुषों को बहुत ज्यादा बिल का सामना करना पड़ता है। इसमें शामिल रकम चौंका देने वाली है, जिसमें 23,000 रुपए से लेकर 61,000 रुपए तक का बिल है। जैसा कि सुश्री भारद्वाज द्वारा साझा की गई रसीदों की तस्वीरों से पता चलता है, जब पुरुष विरोध करते हैं या भुगतान करने से इनकार करते हैं तो कथित तौर पर उन्हें क्लब के कर्मचारियों या बाउंसरों द्वारा धमकाया जाता है, जिससे उन्हें डर और अपमान से बिल का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गॉडफादर क्लब की जांच के दायरे में आने वाला एकमात्र स्थान नहीं है। सुश्री भारद्वाज की पोस्ट से पता चलता है कि मुंबई में नाइट क्लबों का एक बड़ा नेटवर्क भी इसी तरह की गतिविधियों में शामिल है। कथित तौर पर ये प्रतिष्ठान पीआर कर्मियों को नियुक्त करते हैं, जो डेटिंग ऐप पर पुरुषों को लुभाने के लिए महिलाओं को काम पर रखते हैं, उन्हें महंगी और डराने वाली स्थितियों में फंसाते हैं।